आप कह रहे हाँ करता है, करता है कि नहीं? बोलो, जनक जी को किसी की देहरी पे जाना पड़ा? जल्दी बोलो। कभी कभी योग्यता के आधार पर लड़का का बाप प्रयास करता है कि लड़की बहुत योग्य है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि लड़की की योग्यता के बल पर लड़के का बाप प्रयास करता है कि अगर ये मेरे बेटे का संबंध इसकी बेटी से हो जाए तो बहुत अच्छा रहे, तो वो प्रयास करता है। बोलो करता है कि नहीं करता? लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, क्या दशरथ जी ने प्रयास किया? दशरथ जी किए होते तो हम मान लेते, चलो दशरथ जी ने किया। स्वयं दूल्हा ही प्रयास कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दूल्हा वो खोजता खोजता चला आया और पता नहीं कहां लता पत्राओं में छिप रहा है। हम कथा सुना रहे हैं, तुम तो सुनते जाओ भाई, सुनना तुमको है, सुनाना हमें है ना। और बढ़िया ढंग से सुनो, आराम से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ है ना, साधारण नहीं है। जो पत्नी की खोज कर रहा है वो परमात्मा है। बोलो, पत्नी की जो खोज कर रहा है वो कौन है? परमात्मा है। मैं एक बात कहता हूं, ब्रह्मा भी उसके अधीन है। बोलो, ब्रह्मा किसके अधीन है? ब्रह्म के अधीन है ब्रह्मा। ब्रह्म के अधीन कौन है? ब्रह्मा। मैं कहता हूं जब ब्रह्म के अधीन ब्रह्मा है तो ब्रह्म ही से पूछ लेता कम से कम ब्रह्म क्यों, सिस्टम कहां तैयार किया? क्या पूछ सकता था कि नहीं? क्यों, जल्दी बताओ, सिस्टम कहां तैयार किया? लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, धनुष जग सुनो रग कुलना था ओ हरस चले मुनिवर के साथ। सुना है कि धनुष यज्ञ हो रहा है तो विश्वामित्र जी के साथ चल दिया वो ब्रह्म। बोलो, ब्रह्म चला कि नहीं चला? और केवल चला ही नहीं, मिथिला की गलियों में घूम भी रहा है। घूम रहा है कि नहीं? धाये धाम काम सब त्यागी ओ मनोह रंक निधि लूटन लागी। मिथिला के जितने भी नर नारी थे सब रूप पर आकर्षित हो गए, सब दौड़ पड़े। ऐसा रूप लावण्य है, ऐसा रूप का जादू है कि जितने भी नर नारी थे सब दौड़ पड़े। इतना सुंदर स्वरूप तो देखे ही नहीं। लेकिन एक बात बताएं, मिथिला के नर नारी तो राम जी के रूप को देख रहे हो, तलाश रहे हैं किधर गए, किधर गए, किस तरफ निकले, कहां गलियों गलियों सब भागे, देखे राम जी के रूप को। लेकिन राम जी खोज रहे सीता कहां गई, सीता कहां गई। अरे सीता जी की खोज में निकले हैं वो, किसकी खोज में निकले? बोलो, सीता जी की खोज में। याद रखना, किसान साधारण नहीं होता है। किसान श्रम करे और धरती के प्रति समर्पण कर दे। पहले नियम था, आप खेत पर जाते थे, खेत को प्रणाम करते थे, मिट्टी को माथे से लगाते थे। क्यों समर्पण? ये मिट्टी नहीं है, ये चंदन है मेरे लिए। किसान कहता था कि खेत की मिट्टी क्या है? चंदन है मेरे लिए। बोलो, यही मानता था कि नहीं मानता था? समर्पण था। इसका मतलब है कि समर्पण यदि हो जाएगा किसके प्रति? खेत की मिट्टी के प्रति। तो याद रखना, उस मिट्टी से तुम्हें चंदन ही नहीं साक्षात भक्ति प्राप्त हो जाएगी। उस मिट्टी से ही तुम्हें भक्ति मिल जाएगी, और ऐसी भक्ति मिलेगी कि तुम्हें भगवान को नहीं खोजना पड़ेगा, भगवान ही खोजता खोजता आ जाएगा। बोलो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आज बोलो, भक्ति को तलाशता फिर रहा है कौन? परमात्मा तलाश रहा है कि नहीं? कहां है सीता, कहां है सीता, सीता कहां है? दिखाई नहीं दे रही। शंकर जी बोले, खूब घूमो 24 घंटे, अभी मिलने वाली नहीं है ना, अभी मिलने वाली नहीं। तो भगवान ने कहा, भोले बाबा मुलाकात करवाओ, आप में बड़ी ताकत है। एक बात और बताएं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। बिना शिव जी के भक्ति नहीं मिल सकती तुम्हें,
अरे जब रामायण जी को नहीं मिल रही है बिना शिव जी के तो तुम कौन खेत की मूली हो, तुम्हें कहां से मिल जाएगी? शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर, बिना शिव जी के प्रति समर्पण किए भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती, बोलो। और यदि राम जी को भी भक्ति मिली है, भक्ति रूपी सीता अगर राम जी को मिली है, तो राम जी को माध्यम बनाना पड़ा शिव जी को, शिव जी के माध्यम से राम जी को भक्ति रूपी सीता मिली है। मैं प्रमाण दे रहा हूं, रामायण का प्रमाण दे रहा हूं, इसलिए कहता हूं कि विवाद समाप्त करो। कोई कहता मैं वैष्णव हूं, कोई कहता मैं शैव हूं, याद रखना शैव और वैष्णव का कोई विवाद नहीं है। शैव और वैष्णव परंपरा में विवाद करने वाले जितने भी हैं उनको मैं अज्ञानी कहता हूं। शैव और वैष्णव में विवाद नहीं, संवाद होता है प्यारे। इसलिए रामचरितमानस में राम कथा में शिव जी ने पार्वती से संवाद किया। बोलो, राम कथा में जितने भी प्रसंग आते हैं उनमें संवाद ही हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, शिव पार्वती संवाद है, संवाद कि नहीं? याज्ञवल्क भरद्वाज संवाद के विवाद, संवाद। इसलिए रामायण में संवाद है। हमारे यहां संप्रदाय की परंपरा तो है, लेकिन उन परंपराओं में विवाद नहीं है, आपस में क्या है? संवाद है। इसलिए बिना शिव जी के राम जी को भी सीता जी नहीं मिली, भक्ति नहीं मिली, शिव जी को माध्यम बनाना पड़ा। आप कहो महाराज कैसे? भगवान शंकर का आवाहन किया राम जी ने, और राम जी ने जैसे आवाहन किया शिव जी का, तो शिव जी प्रकट हो गए मिथिला में, मिथिला की भूमि पर शिव जी प्रकट हो गए। और जैसे मिथिला की भूमि पर शिव जी प्रकट हुए तो कहे कि प्रभु आपने याद किया? कहा, भोले बाबा याद तो किया। बात क्या है? बात यह है कि यहां पर भक्ति और मुक्ति दोनों ही मिथिला में, हाँ है तो मुक्ति भक्ति, तो मुक्ति भक्ति दोनों है, मुक्ति भक्ति से मिला दो। शंकर जी ने कहा सही बतावे, मुक्ति आपके चरणों में रहती है। बोलो मुक्ति कहाँ मिलती है, जल्दी बोलो। एक मान्यता है कि गंगा में यदि आपने स्नान किया तो मुक्ति मिलती है, गंगा जी में स्नान किया तो क्या मिलती है? मुक्ति। लेकिन कभी आपने सुना या सोचा समझा कि गंगा निकली कहां से है? गंगा निकली है भगवान के चरण से, तो इसका मतलब है गंगा में स्नान करने से मुक्ति मिलती है, तो गंगा भगवान के चरण से निकली है, इसका मतलब है कि मुक्ति रहती कहां है? भगवान के चरण में। शंकर जी बोले मुक्ति तो आपके चरण में है, आप किसको तलाश रहे हैं? कहे मेरे चरण में तो है मुक्ति, लेकिन वो मुक्ति सशरीर प्रकट हो गई है मिथिला में, सशरीर। कहे मिथिला में? हाँ, जनक जी की जो बेटी है वही तो भक्ति है, वही तो मुक्ति है। ज्ञानियों की दृष्टि में अंतर इतना है, ज्ञानियों की दृष्टि में वो मुक्ति है और भक्तों की दृष्टि में वो भक्ति है, लेकिन वो सशरीर प्रकट हो गई, और इसलिए तो मेरे चरण चले आए कि वो गई कहां मेरे चरण से, इसलिए तो मेरे चरण खोजते फिर रहे हैं, थी तो मेरे चरण में ही, लेकिन जब मैंने देखा कि गायब तो गई कहां फिर? गई कहां? बोले एक किसान के श्रम ने मुक्ति और भक्ति को अपने पास बुला लिया। बोलो, एक किसान की मेहनत ने बुलाया, किसकी मेहनत ने बुलाया? किसान की मेहनत ने मुक्ति और भक्ति को अपने पास बुला लिया है प्यारे। इसलिए मैं कहता हूं किसान हो बहुत महान हो, साधारण नहीं हो, अपने को हल्का मत समझा करो। एक और चैलेंज की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी बात केवल यहां बैठे लोग ही नहीं सुन रहे हैं, मेरी बात हजारों हजारों लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? 3 लाख फॉलोवर हैं मेरे प्रवचन के, वो 3 लाख तो सुन ही रहे हैं, और कम से कम 10-12 करोड़ लोग सुन चुके हैं इसी चैनल से। 10-12 करोड़ निकाल लेना, रिकॉर्ड निकालिए, 12 करोड़ लोग सुन चुके हैं और 3 लाख तो फॉलोवर हो चुके हैं, और अभी हजारों सुन रहे हैं, अपने अपने सिस्टम में देख लेना, हजारों लोग सुन रहे हैं, नियमित सुनते हैं, नियमित सुनते हैं।
तो मेरी बात केवल अंधौरा तक नहीं है, केवल शिवपुरी जिला तक सीमित नहीं है, मेरी बात केवल बुंदेलखंड तक सीमित नहीं है, मेरी बात कई राज्यों तक पहुंच रही है।